सीएमओ और वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ हुई शिकायत, मामला पहुंचा अजाक थाने, दर्ज हुआ प्रकरण। आधार केंद्र पर कार्यरत राहुल वानखेड़े को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आधार केंद्र खाली करने का आदेश दिया गया था। राहुल ने बताया कि मेरे द्वारा कुछ भ्रष्टाचार के मामले उठाए गए थे, उससे नाराज होकर मुझे केंद्र खाली करने का नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस में मुझ पर आरोप लगाया गया है कि मेरे द्वारा बार बार अनुसूचित जाति हरिजन एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। परिषद द्वारा दिए गए नोटिस में हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व निर्देशों के खिलाफ है। मैंने नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस में उक्त शब्द के इस्तेमाल करने के संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नर्मदापुरम एवं अन्य अधिकारियों की शिकायत अजाक थाने में की है। क्या नाम है आपका और क्या परेशानी थी जो आपने अभी अजाक थाने में जिस तरीके से आपने कंप्लेंट करी है, और आपकी क्या व्यथा थी, क्या परेशानी थी जिसके वजह से आपको उच्च स्तर पे आपको कंप्लेंट करनी पड़ी, बड़े अधिकारियों को आपको ये सूचित करना पड़ा कि उन्होंने गलत किया, क्या बात थी, क्या कारण था? सर मैं नगर पालिका में आधार सुपरवाइजर हूँ। काफ़ी दिनों से मेरे साथ मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी कुछ दिन पहले मतलब 10 तारीख को सीएमओ साहब का एक लेटर मेरे पास आया था, जिसमें लिखा था कि आपको 24 घंटे के अंदर आधार केंद्र खाली करना है। आधार केंद्र खाली करने को कहा है सर। वो जो लेटर जो मैंने पढ़ा सर, उसमें लिखा है कि मतलब सीएमओ साहब का मतलब उनके कहना है कि मैं आए दिनों किसी न किसी पार्षद से अनावश्यक विवाद करते रहता हूँ, उपभोक्तागणों से अनावश्यक विवाद करते रहता हूँ, और क्या बोलते हैं, मैं मनमाने शुल्क लोगों से वसूलता हूँ। उसके बाद सर उन्होंने एक बहुत ही गलत शब्द इस्तेमाल किया सर, जिसके कारण सर मेरे को बहुत आहत हुआ है, जो मुझे बहुत बुरा लगा है। तो उन्होंने सर एक शब्द जो यूज़ किया, उन्होंने सर उस शब्द में लिखा है कि मैं आए दिनों किसी न किसी की हरिजन एक्ट में शिकायत करता हूँ सर। इसलिए सर मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब सर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि भाई हरिजन शब्द लिखना ये गैरकानूनी है, और अगर कोई हरिजन लिखता है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि हरिजन उच्च जाति के लोगों द्वारा छोटे जाति के लोगों को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए सर मैंने इन लोगों की शिकायत की। सर ये तो ठीक है, लेकिन सर उसमें अगर एक व्यक्ति गलती करता है तो ऊपर बड़े अधिकारी का दायित्व बनता है कि तुमने गलत शब्द बोला तो उसको सुधारो। तो उनने भी नहीं सुधारा सर, तो उनने जो गलती की उसके बाद जो उच्च अधिकारी सर, उन्होंने भी, उनका भी दायित्व बनता था कि उन्होंने भी उस चीज़ को सुधारना था, लेकिन उन्होंने भी नहीं सुधारा। अब मैं बताना चाहूँगा सर, जब नगर पालिका में जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है महेश वर्मा, उन्होंने उसमें हरिजन एक्ट लिखा है, उसके बाद वो जो लेटर सीएमओ साहब के पास गया, तो उन्होंने सीएमओ नर्मदापुरम, तो उनके भी लेटर में सर हरिजन एक्ट लिखा है, तो उनका दायित्व बनता था सीएमओ सर का कि भाई ये आपने गलत शब्द लिखा है तो इसको सुधारो। तो उन्होंने भी सर उसी को आगे बढ़ाया, फिर वो वही लेटर सर अपर कलेक्टर जिला ई गवर्नर सर के पास गया, तो उन्होंने भी सर वही शब्द यूज़ किया सर, उसमें भी सर वही लिखा सर हरिजन एक्ट सर। तो इसलिए सर मैंने कहा सर ये तो गलत है सर, ये लोग तो हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए सर मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। तो इसीलिए सर मेरे को एक शिकायत करनी पड़ी। आपको जॉब से निकालने का कारण उन्होंने ये बताया कि आप बार बार हरिजन एक्ट को यूज़ करते हैं, ये बताया गया? हाँ, हरिजन एक्ट सर, हरिजन एक्ट को यूज़ करते हैं, ये सही है सर, आपका भी कहना सही, लेकिन क्या है कि सर उसे अनुसूचित जाति जनजाति कहते हैं सर, अगर हरिजन कहेंगे तो हाँ तो उसको गलत तरीके से सर उन्होंने यूज़। आप क्या चाहते हैं सर? मैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई चाहता हूँ सर। आज सर अगर मैं कार्रवाई नहीं करूँगा तो मेरे ऐसे कई लोग हैं सर जिनके साथ ये आए दिनों नौकरी से निकाल देते हैं, वो भी उत्पीड़न होते रहता है सर। तो इसलिए सर किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि सर हर जगह कहीं ना कहीं, अब अगर हम गांव में जाते तो वहाँ पर भी सर ये लोग कहते हैं कि भाई हरिजन बस्ती या जो भी कुछ है। अब मैं सर अभी पुलिस स्टेशन में गया था, मेरे को वहाँ पर बुलाया था, वो एक मेरे पास फ़ोन आया था, तो उन्होंने वहाँ से वो पुलिस अधिकारी जी मुझसे कहने लगे कि देखो भाई, कहने लगे जो हरिजन शब्द है, कहने लगे इस पर क्या गलत है, क्या है? मैंने कहा सर गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया कि ये शब्द गलत है। तो कहने लगे अभी तो आप अगर बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो हर जगह हरिजन हरिजन लिखा है, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रही है कि अगर कोई कार्रवाई करेगा तो कार्रवाई होगी, अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी और कार्रवाई होगी। इसलिए सर मैंने आपकी ये लड़ाई मतलब समाज के हित में, जी सर आप समाज के हित में लड़ना चाहते हैं? जी सर, जी सर। अभी आपको क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने? सर अभी मुझे अधिकारी गणों से ये आश्वासन मिला है, मेरे को अभी
लगभग 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया था कि आपको मतलब कल 2 बजे आना है, तो हम सबको उनको भी बुलाएंगे और आपको बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर उसके बाद सर थोड़ी देर बाद 1 बजे मेरे पास फिर फ़ोन आया, कह लगे आप एक काम कीजिए आप 5 मिनट के लिए थाने में आ जाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर वहाँ पर मुझे मैं थाने में गया, तो थाने में जाने के बाद मुझे वहाँ पर एक नोटिस दिया गया है नोटिस, और फिर वो उनके नाम का भी सभी अधिकारीगणों का भी नाम का एक नोटिस उन्होंने जारी किया, कह ले ठीक है कल हम आपको बुलाएंगे और उनको बुलाएंगे बयान के लिए, उन्होंने बोला है। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।